हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के बारे में। ये अपडेट फोटोग्राफर्स, एडिटर्स या जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है जिनके पास सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं और खासकर एम सीरीज़। क्योंकि मेरे पास एम सीरीज़ है तो उसमें ये नया अपडेट आया है, तो उसके बारे में मैं एकदम श्योर हूँ। लेकिन बाकी के सैमसंग के सीरीज़ में ये अपडेट आया है कि नहीं, इसके बारे में मैं तो पक्का नहीं बता सकता। वो आप अपने सैमसंग के फ़ोन्स में देख सकते हैं। अगर आपके में भी ये अपडेट आ गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा अपडेट है। जो वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो क्या वो अपडेट है, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अभी आपने फॉलो नहीं किया है मुझे तो वहां पे जाके फॉलो कीजिए, बढ़िया बढ़िया टिप्स देता रहता हूँ। तो बहुत बकवास हो गई, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो अपडेट। इस अपडेट में क्या है कि सैमसंग के अगर आप कैमरे में जाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखते थे, फिल्टर्स के ऑप्शन दिखते थे। उसमें कई सारे फिल्टर्स पहले से ही थे, पर अब ये अपडेट क्या है, ये अपडेट ये है कि आप अपने खुद के फिल्टर्स बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप अपने खुद के फिल्टर्स बना सकते हैं। जैसे कि जो आप लोग फोटो एडिट करते हैं या कहीं से डाउनलोड करते हैं, तो अब इसमें क्या सिस्टम आ गया कि आप कोई फ़ोटो उसमें इंपोर्ट करते हैं तो उसके जो कलर्स होते हैं, उसमें जो एडिटिंग स्टाइल होती है, उसको ये कैमरा अडॉप्ट कर लेता है और एक नया फिल्टर आपका बना के दे देता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि उसमें आप अपनी फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे और कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए एक नया फिल्टर बना के दे देगा, जैसा कि आपका एक कस्टम फिल्टर हो। तो आप कस्टम फिल्टर आप ऐड कर सकते हैं अपने कैमरे में। तो पहले जो आप करते थे कि फ़ोटो खींचते थे फिर उसको एडिट करते थे, तो अब क्या कर सकते हैं, आपकी एडिट हुई फ़ोटोज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हैं और आपको एडिट नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने कैमरे से ही एडिटेड फ़ोटो खींच सकते हैं। तो है ना ये बिंदास जबरदस्त का अपडेट। तो कैसे ये वर्क करता है, चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको अच्छे से वहाँ पर समझाते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर हम चलेंगे अपने कैमरे वाले ऑप्शन में। कैमरा को जैसे हम अपने ओपन करते हैं तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा 3:4। इसमें हम ये जो 48 मेगापिक्सल वाला अगर जो ये सेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है ये चला जाता है। तो इसलिए हमको नॉर्मल वाला जो रेशियो उसी को सिलेक्ट कर लेना होगा, 3:4 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पहले ये जो नीचे फ़िल्टर्स देख रहे हैं, ओरिजिनल, वार्म, कोल्ड, यही सारे फ़िल्टर्स ये पहले से थे। लेकिन अब आपको ऊपर दो सेक्शन दिख रहे होंगे, माई फ़िल्टर्स और फेस का एक सेक्शन दिख रहा होगा। तो फेस वाले सेक्शन में क्या होता है, आपके फेस का जो ज्योमेट्री सब के बारे में, जो एडिटिंग वेडिटिंग के बारे में नया फिल्टर आया है, और उस सब को छोड़ के एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा माई फ़िल्टर, जो मेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपको नीचे दिख रहा होगा 2-3 आपको नए फ़िल्टर्स देखने को मिल रहे होंगे, अपडेट में चेंज हुआ है, नए फ़िल्टर्स आए हैं। और उसके साथ ही साथ आपको कुछ नीचे फ़िल्टर्स दिख रहे होंगे, मेरे फ़िल्टर्स जो मैंने खुद बनाए हैं, वो फ़िल्टर्स आपको यहाँ पे नीचे दिख रहे होंगे, फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2 करके। तो ये फ़िल्टर मेरे इसमें फ़िल्टर कैसे आ गए, इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं आपको कि कैसे आप अपना फ़िल्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे फ़िल्टर्स आपको दिख रहे होंगे, इसको आप अलग तरीके से, इसको चलिए मैं अपने भाई के ऊपर ट्राई करके दिखाता हूँ, बड़ा भाई छोटे भाई पर दिखाता जरूर है ये सब। तो ठीक है, आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं ये फ़िल्टर कितना बिंदास लग रहा है, मतलब आप अपने खुद के फ़िल्टर्स में ऐड कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोटोज़ एडिट की थी एडोब लाइटरूम में, इसके इन सब के अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एडिट करें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं फ़ोटो एडिटिंग के बारे में भी। तो फिर ऐसे आपको अपने फ़िल्टर्स इसमें ऐड कर लेने, कैसे इसमें आपको अपने फ़िल्टर्स ऐड करने हैं, इसके लिए आपको इधर प्लस का आइकन एक दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी कोई सी भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए, उसका ये जो कलर है उसको ये कर लेगा अडॉप्ट, अडॉप्ट करने के बाद उसका एक नया फ़िल्टर बना देगा। तो चलिए मैं कोई अपनी फ़ोटो इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको हमें फ़िल्टर के रूप में क्रिएट करना है। तो चलिए मैं अपनी ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे उस फोटो को हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर थोड़ा सा इसमें लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद हम लोगों का फ़िल्टर हो जाएगा तैयार। कुछ देर रुकते हैं और हम लोगों का फ़िल्टर हो गया है तैयार। अब आप देख सकते हैं फ़िल्टर तैयार हो गया हम लोगों का, ये देखिए कितना मस्त लग रहा है फ़िल्टर। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेव फ़िल्टर का, वहाँ पे आप टच करके इस फ़िल्टर को आप कर सकते हैं सेव, और ये आपका फ़िल्टर इसमें के सेव हो जाएगा।
तो ये देखिए फोटो, इस तरह से आप अपनी फोटो का यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फिल्टर को मैंने कर लिया है सेव। अब चलते हैं दूसरे फोटो को, हम ट्राई करते हैं, प्लस वाले आइकन में जाएंगे फिर से। और क्या है इसमें, आपने अपनी फोटो एडिट की उसी का नहीं, आप कहीं से भी कोई फोटो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके कलर को भी ये अडॉप्ट करके एक फिल्टर बना लेगा। तो चलिए मैं कोई जल्दी से इसमें से रैंडम से कोई फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये देखिए पर्पल इसमें टोन है कुछ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए गजब से इसने हम लोगों का ये जो पर्पल वाला टोन है, इसने इसको सेलेक्ट करके एक नया फिल्टर बना लिया है। तो ऐसे ही आप इस फिल्टर को सेव कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे आप अपने फिल्टर को कर लेंगे सेव। और हाँ, अगर आपको इसमें अपने फिल्टर डिलीट करने हैं तो आप ऊपर वे इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने फिल्टर को, आपको फिर से एक माइनस का ऑप्शन दिखकर आ जाएगा। तो उसको जैसे माइनस के ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं, फिर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब खास बात यही है कि ये फिल्टर आपके फोटो में ही नहीं बल्कि आपके वीडियो में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सिंपल सा, इसमें भी फिल्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे हम लोग, माई फिल्टर वाले ऑप्शन में फिर से जाएंगे, और जो हम लोगों की फ़ोटो है जो हमने अपना फिल्टर इसमें ऐड किया है, उस फिल्टर को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितने गजब के तरीके से आप अपनी वीडियो को भी अब कलर ग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद के फ़ोटो को यहाँ पर इम्पोर्ट कीजिए और वीडियो में भी इन फिल्टर्स का मज़ा लीजिए। तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, मैंने सोचा आपको बता दें। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या आपने कुछ सीखा हो या आपको कुछ इंटरेस्टिंग पता चला हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में अगर आपको कोई इंक्वायरी है। अगर आप लाइक और कमेंट कर देते हैं तो यूट्यूब को लगता है वीडियो अच्छा है, तो इसको पुश करते हैं और ज़्यादा रीच मिलती है, तो नए लोग नए परिवार हमसे जुड़ पाते हैं और हम लोग अच्छे से अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।